जो खामियां। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज। दोस्तों, सेक्टर 12 में जिला सचिवालय के बाहर आप देख सकते हैं गांव के लोग इकट्ठे हो चुके हैं। पिछले दिनों फैमिली आईडी का बड़ा मुद्दा जिसको लेकर लोग परेशान थे और अब यहां पर फिर से लोग इकट्ठे हो रहे हैं। क्या कुछ जो है यार लोगों की मांग फिर से क्या है, बात करते हैं। विशेष तौर पर इनकम को लेकर गांव गोकड़ीपुर में हाहाकार मच रहा है। पूरे लोग तो यहाँ पर आ भी नहीं सके, मजबूरी के कारण गरीब लोग हैं। आप देखो, ऐसे ऐसे आदमी हैं जिनकी सिर्फ बुढ़ापा पेंशन से गुजारा चल रहा है, उन लोगों की भी 5-6 लाख इनकम कर दी। पता नहीं किसी से आप तो सर्वे होया, ना तो गांव का कोई चौकीदार लिया, ना नंबरदार लिया, ना सरपंच मेंबर कोई नहीं लिया। पता नहीं किसी से आप तो सर्वे करके बिल्कुल, यानी कि गरीब आदमियों का ऐसा सिस्टम कर दिया, बिल्कुल बंद हो जाएगा सिस्टम। कई परिवार ऐसे हैं जिनका सिर्फ राशन था, जो डिपो पर राशन मिल जाए उस तक गुजारा हो रहा है। गरीब आदमी किस तरह अपना गुजारा करेगा? मनरेगा के तहत सर्वे कर दिया अपने। हाँ जी, हवा में सर्वे हो रहा है, गलत हो रहा है। काम करने वाले कितने परिवार है मनरेगा के तहत? काम करने वाले कितने परिवार है सर जिनके राशन कटे हैं? मनरेगा के तहत काम करने वालों के भी राशन कटे जी, बहुत से परिवार हैं यहाँ पर मौजूद भी हैं। कितने अरे मनरेगा वाले आते हैं? जो मनरेगा में काम करते हैं, ये आप देख सकते हैं, मनरेगा में काम करते हैं लेकिन इनका भी। सर, किसी के घर कोई सर्वे करने वाला, किसी के घर कोई सर्वे करने आया जो यहाँ सबकी इनकमें बढ़ गई हैं, क्या बोलते हैं लोग? भाई साहब, अभी तक कोई भी सर्वे करने नहीं आया, ये काफी टाइम तक चल रहा, कई दिन तक बड़े परेशान हो रहे थे लोग, बार बार मेरे पास आ रहे थे। हमने कहा भाई डीसी साहब के पास चलेंगे, क्योंकि हमारे डीसी साहब बहुत अच्छे हैं, भाई प्रशासन से हम मांग करेंगे भाई इनके बारे में ठीक करें। तो हमने प्रशासन से काफ़ी उम्मीद है भाई, वो जरूर हमारी सुनवाई करेंगे। कुछ ऐसी लापरवाही है सरकार की? लापरवाही है? हाँ सर, सरकार की लापरवाही तो हम के कह सके जी, किसी न किसी की तो इसमें लापरवाही हुई है जी। मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं उन बेचारों की कैसे कट सकती सरकार? तय प्रशासन से हम तो यही उम्मीद करें भाई, इन गरीब आदमियों की सुनकर सुनाई करके है। गोगड़ीपुर गांव के लोग सब आए हैं और पहले भी हमने इस बारे में खबर बनाई थी कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, अभी वो इनकम उनकी कोई नहीं है, लेकिन उनकी भी इनकम दिखाई गई है? बिल्कुल दिखाई गई जी। तो ऐसा भी है इनमें, इसमें ऐसा भी? बिल्कुल है जी, ऐसा भी है जी, ऐसा भी है जी। इसके इस भाई के पिताजी और माता जी, उनकी बुढ़ापा पेंशन से गुजारा चलता है, सिर्फ बुढ़ापा पेंशन से, और फैमिली आईडी में इनकम 6 लाख रुपए कर रखा है। फैमिली आईडी में? आपकी फैमिली आईडी में 6 लाख रुपए इनकम है? 6 लाख रुपए कर रखा है। परिवार की दिखाएगी 6 लाख? उनकी दोनों आगे जी, फादर और मदर की, जिनका यानी कि सिर्फ बुढ़ापा पेंशन से गुजारा होता है और 6 लाख इनकम दिखा रहा है। मेरी बुढ़ापा पेंशन से सिर्फ है जी, बुढ़ापा पेंशन से अपनी रोटी खाते हैं, और वो हमारे मतलब 5 लाख की फैमिली आईडी। 5 लाख रुपए इनकम दिखाई आप? हाँ जी हाँ। आपकी दिखाई है? हाँ जी हाँ। मकान इनके टूटे हैं जी, कड़ियों के मकान है, बुरा हाल है, गरीब आदमी के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है जी। क्या लग रहा है मुख्य, मतलब ये क्यों हो गया अचानक से, लोगों को मैसेज क्यों आ गए, क्या लग रहा है इसके पीछे, सरकार की मंशा क्या लगती है आपको? क्यों समझ में नहीं आया जी भाई, सर्वे किसने कराया, किस तरह होया जी, समझ में नहीं आया कुछ भी, एकदम कैसे होया, लोगों ने अपनी इनकम जो आने से पहले अगर होता तो कहीं ना कहीं पहले कोई डिक्लेरेशन तो होनी चाहिए थी कि लोगों को मैसेज आएंगे या क्या। किस वजह के बाद गाँव के नंबरदार को लेकर, सरपंच को लेकर, चौकीदार को लेकर, किसी भी आदमी को लेकर, एक बात बताओ आप, इसमें बीएलओ की ड्यूटी लगा दी, बीएलओ तो बेचारे पैरते जावा, कोई करनाल का है, कोई मुणक का, कोई पानीपत का, उन्हें क्या पता मेरे गांव में इनकम किसकी कितनी है। तो लोगों को पहले राशन कार्ड बनवाने के लिए महीनों महीनों धक्के खाते हैं, फिर भी राशन कार्ड नहीं बनते यहाँ तो, और काटने के समय एक मैसेज आ गया बस। बिल्कुल जी कट, बिल्कुल कट गया जी, गरीब आदमी मर गया जी, हम तो इनकी कहा गरीब आदमी की सुनाई करो जी सरकार से। ये पोता है ना 5 साल का है जी, 5 साल का, इसका कौन है? 5 साल का पोता है, चाट मारता है, ये लो भी इनकम देखो कितनी है, 15,000 रुपये। अच्छा, इस इनकम दिखा दी, 5 साल का पोता था, चाय पीने का भी। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये 5 साल बच्चे की उम्र है, एज लिखी है 5 साल, और 5,000 से 10,000 रुपए इनकम है। पता नहीं अभी ये शगुनों की इनकम दिखा दी है, जो बच्चों को शगुन मिलते हैं क्या करते हैं, ये बात समझ नहीं आई है। अभी तो बच्चा है ना, खाने पीने काबिल है जी, वो तो पूरा खाना भी लेता, चीज मांगता खाने के लिए, उसकी भी इनकम दिखा दी थी उन्होंने। 5-10 सरकार क्यों, ये 5-10 हज़ार किसके किए हैं, बच्चे को जो शगन पाके जाते हैं उसके? हाँ, छोटा बच्चा है जी, 5 साल का सिर्फ, 5 साल का बच्चा जी, 5 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, वो भी कमा के लाता है क्या है जी, मतलब हमारी समझ में आती है, गवर्नमेंट क्या चाहती है गरीब आदमी ने परेशान करके। यहाँ तो पहले ही जो है सेंटरों में धक्के खाते हैं, सीएससी सेंटर बहुत परेशान है जी, कभी एक सीएससी सेंटर में चले जाओ जो ठीक करवाने बनवाने के प्रोसेस बड़े बड़े हैं। हाँ,
जाते हैं 50 से 100 रुपए मांग लेते हैं, इनकम है नहीं, 2500 रुपए गवर्नमेंट दे रही है। अब हम दो मियाँ बीबी, अब मेरी बीबी खड़ी, मैं खड़ा जी, हमारे वो 2500 रुपए मिलते हैं, काम करने के काबिल नहीं है, 65 साल उम्र हो गई, तो 2500 रुपए मतलब 100 रुपए दो भी मांग लिया, दो बारी चले गए, हमारा इंटरनल नुकसान है। इसमें कितनी जगह पर गलती की हुई है, कितनी कितनी इनकम है, एक बार बताएं जरा। सुनो जी, ये जो छोटे वाली बुआ 6 महीने पहले आई है जी, शादी हो रहा है, घर से बाहर निकली, 2 महीने माई कर रही, 2 महीने हमारे आप यहाँ रही, उसकी इनकम दिखा दी, क्या जाती है तुम्हारे हमारे पास, वो छोटे वाली है जी, वो भी कमा रही है जी, ओता भी कमा रहा है जी, जो अभी 5 साल तो है, क्या है जी ये मतलब है? और यहाँ पर कहते हैं कि अगर फैमिली आईडी में कुछ करेक्ट करवाना है तो एक बारी में एक होता है, एक बारी में, हाँ जी बस एक बारी में एक होता है, हाँ तो मेंबर 7 है जी, 7 ही बारी जाओ जी वहाँ। यहाँ पर बता दें आपको, एक बारी में एक करेक्शन की जाती है, यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर 7 मेंबर है तो ये 7 बार उन्हें जाकर दफ्तर जो है धक्के खाने पड़ेंगे, उसके बाद सारा दिन जो है इंतजार करना पड़ेगा, समय बर्बाद करना पड़ेगा, उसके बाद जो है जाकर ये ठीक होगा। हाँ जी, शाम तक दफ्तर नहीं पाते, सियासी सेंटर वाला छुट्टी कर मिलता भी नहीं है वहाँ पे, फिर और लाइन नहीं चालू होती जी, जो लाइन चालू होते हैं वो चालू। मेरा भी जी एक बेटा है, वो भी सब्जी मंडी में मजदूरी करता है। अच्छा, मैं 50 साल की हूँ, मैं विधवा औरत हूँ, मेरी विधवा जागती है, बताओ, मेरा भी राशन कार्ड काट दिया गया है। आपका राशन कार्ड कट गया जी, इनकम नो वेरीफाई दिखाया हुआ है, इनकम ज्यादा है जी, मैं कोई काम भी नहीं कर सकती, मेरी 50 साल की उम्र है, मैं शुगर की मरीज हूँ। तो आप देख लीजिए आपका क्या इशू है, आप भी आए हैं, हाँ ये इनकम नो वेरीफाई नहीं है, इस कारण हमारा भी राशन कार्ड काट। अच्छा, इनकम वेरीफाई नहीं है, हाँ जी, इसलिए आपका राशन कार्ड काट दिया, राशन कार्ड ही काट दिया गया है, इसमें वेरीफाई वेरीफाई करना था, ये तो वेरीफाई वैसे ही हो सकता था, अगर एक महीना आप राशन ज्यादा ले भी लेते तो बात क्या थी उसमें, और पहले उसके लिए बकायदा मैसेज भी आना चाहिए, बिल्कुल, राशन कार्ड कट रहा है, क्यों कट रहा है, किस लिए कट रहा है, कारण तो पता होना चाहिए, किसी को कारण नहीं पता, कोई कारण नहीं पता जी, राशन कार्ड कटने का ही मैसेज आया है तुरंत, राशन कार्ड कटने का मैसेज कट गया, आपका भी कट गया जी राशन कार्ड, राशन कार्ड जो कटे नहीं बने नहीं, बना नहीं, 2.5 लाख रुपए दिखाए रखे भाई, इनकम 2.5 लाख रुपए, वीर भी अनपढ़ है, और कौन से गांव में रहते हो आप, बगड़ीपुर, क्या नाम है आपका, शेर सिंह, यहाँ पे ये आपका नाम, ये कहाँ है आपका नाम, शेर सिंह है, अच्छा शेर सिंह है, ये देख लीजिए ये इनकी इनकम दिखाई हुई है 1,80,000 से 2.5 लाख रुपए, तो आप करते क्या हो, मैं कुछ नहीं करता जी, घर पे 80 साल की उम्र में बैठे हूँ, कितनी उम्र होगी आपकी, 81 है जी, अच्छा 80 साल, ये देख लीजिए 80 साल इनकी उम्र है, 81 एक कम, यानी 80 साल इनकी उम्र है, और देख लीजिए ये 1,80,000 रुपए इनकम है, ये 2.5 लाख रुपए इनकम, अब आप ये बताइए कि 2.5 लाख रुपए की जो इनकम है वो किस आधार पर इनकी बनाई हुई है, ये खुद पेंशन, बुढ़ापा पेंशन लगी है आपकी, हाँ लगी है, अच्छा वो तो लगी है, बस वो कितनी मिलती है, वो मिलती है 2500 रुपए, 2500 रुपए, तो उसके हिसाब से तो आपके 26-27 हजार रुपए बने, बस 30,000 बनते हैं, 30,000 रुपए बने, हाँ। तो 30,000 को ये इन्होंने ये कैसे कर दिया, 2.5 लाख रुपए कैसे कर दिया, पता नहीं जी, यही तो पूछ रहे हैं, ये घरवाली कर दिया है, घरवाली है मेरी, अच्छा दोनों मियां बीबी, इनके भी कर दिया, ये देख लीजिए इनके पत्नी है, उनकी भी 2.5 लाख रुपए इनकम जो है 1,80,000 से 2.5 लाख रुपए कर दी है, किस बिहाफ पर करी है ये तो पता चले कम से कम, ये बताएं जरा, क्या इन सबके घरों के अंदर क्या कोई फेक ट्रांजेक्शन हुई थी जिनको लेकर जो है ये इनकम ऐसे दिखा दी गई, और क्या हर महीने होती है, बात तो यही है कि यहाँ पर जब राशन कार्ड काटने हैं तो मतलब काटने हैं, शेर ने बकरे को खाना है तो भाई खाना है क्योंकि भूख लगी है, तो बात वही है, तो जी जी वही बात, बिल्कुल वही बात है, इन्होंने कुछ नहीं, बस अपनी जेब भरने से मतलब है, गरीब आदमियों पे इन्होंने बिल्कुल सपड़ा साफ कर दिया सर जी जी, और आने वाला टाइम ऐसा आएगा जो ये खट्टर सरकार है ना, मतलब हाथ लगा के देखेगी जनता ने करा क्या है हमारे साथ, ये खट्टर साहब को अभी की तैयारी है, पूरी पूरी तैयारी है, पूरी तलवार पे धार लगाई हुई है इन्होंने तसल्ली से, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की जो है, लोग आए हुए हैं, हाँ जी आपका क्या इशू आया है, आपका भी कट गया राशन कार्ड, राशन कार्ड कट गया जी, मैं और मेरा घरवाले दोनों विकलांग है, दोनों विकलांग है जी, अच्छा विकलांग है, फिर भी हमारा राशन कार्ड अलग इनकम दिखा के काट दिया गया, तो काटा ये यहाँ पर क्या है, आपके कितने परिवार में लोग है, 6 आदमी है जी, 6 लोग हैं, मेरा लड़का मेरे से अलग रहता है, उसका इसमें आईडी में नाम है, मैंने उसको कहा था भी अलग कर दो इसको, वो कहते हैं कहेगी फिर बनती आईडी, दोबारा नहीं बनती, हाँ। तो आप देख लीजिए बेटा इनका अलग रहता है, और अभी चाहते थे कि ये अपने जी जी, हाँ उसकी फैमिली आईडी अलग बनानी चाहिए, उसकी इनकम अलग होनी चाहिए, उसकी हमारे बीच में जोड़कर हमारा राशन कार्ड काट दिया गया, अच्छा आपका राशन कार्ड काट दिया,
जबकि वो हमारे साथ तीन क्या मिलता था अभी राशन कार्ड पे, क्या राशन देते थे अभी? गेहूं मिलता है जी, आटा मिलता है, गेहूं और आटा मिलता है। तो आप गए होगे वहाँ जाके बात करी, क्या बोलते अब नहीं मिलेगा? तब तो नहीं मिलेगा, तो राशन कार्ड तुम्हारा कट गया। तो आप देख लीजिए 90% हरियाणा में गरीब लोगों के राशन कार्ड कटे हैं और 10% अभी भी मतलब बिल्कुल भी जो 50,000 रुपए सैलरी ले रहे हैं ना उनके भी बीपीएल में नाम आ गया है। क्या लग रहा है सरकार के पास गेहूं खत्म हो गया है, भूखमंगी हो गई है, क्या हो गया? सरकार तो भूखी हो गई है बिल्कुल, पड़ा कुछ सब कुछ है, नीयत खराब है, बस शराब की नीयत खराब है सब। आके मिले तो वो कहते हैं अपने लड़के का मीटर अलग लगवाओ, तो एट ए टाइम मीटर अलग थोड़ी लगता, या तो पहले बताना चाहिए भाई इसका बिजली मीटर अलग लगवाओ, तो उसके बीच में मीटर आपके नाम है तो इसलिए पेंशन कार्ड दे गई, पहले बताना चाहिए, तभी मीटर फैमिली का अलग होना चाहिए या फैमिली आईडी करानी अलग करानी चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए सामने पूरे के पूरे जितने भी लोग हैं घोगड़ीपुर गांव के लोग हैं, आप भी घोगड़ीपुर से आए हैं, घोगड़ीपुर से सारा गांव घोगड़ीपुर सब घोगड़ीपुर, देख लीजिए एक ही गांव के लोग हैं। अब आप देख लीजिए अगर एक गांव के अंदर कितनी ज्यादा लोग हैं, एक गांव में एक छोटा सा गांव है घोगड़ीपुर करनाल के पास, छोटा सा गांव, और वहां से अभी ये लोग आए हैं। अभी उन्होंने कहा कि पूरे लोग नहीं आए हैं, जिन लोगों से बात हो पाई वही लोग यहाँ पर पहुंच पाए, और अभी जो है फिलहाल देख लीजिए कि लोगों का, हमने आपको खुद तस्वीरों में दिखाया है, ऐसे ऐसे बुजुर्ग जिनकी उम्र 80 साल है, 80 साल में हाथ पैर भी जवाब दे जाते हैं, तो आखिर उस इंसान की 2.5 लाख रुपए की इनकम कैसे दिखाई जा सकती है? फिलहाल ये जरूर है कि इस तरह की जो ये हरकत हुई है, ये हरकत किसने की है, क्यों की है, इसके पीछे क्या मंशा है, ये तो बाद की बात है, लेकिन ये ज़रूर है कि लोगों ने कहा है कि उन्होंने मन बना लिया है कि अब वो भविष्य में क्या करेंगे। आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।